हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10 बी क्लास 9 आरएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर है 14। तो क्वेश्चन 14 कह रहा है, इन अ रोम्बस एबीसीडी द एल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू द साइड एबी बाइसेक्ट एबी, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। अब देखो यहां पर जो फिगर दे रहा है, ठीक है, फिगर से समझो। पहले यहां पर एबीसीडी हमारे पास रोम्बस है, तो रोम्बस का मतलब ये हुआ कि इसके एंगल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है, ए के अपोजिट सी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और बी के अपोजिट है डी, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, और इसकी जो साइड है ना चारों, ये चारों साइड आपस में भी इक्वल होगी, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि द एल्टीट्यूड फ्रॉम द डी टू द साइड ए बी। अब डी से एक एल्टीट्यूड जा रहा है, ठीक है, जैसे ये डी पॉइंट है, डी से एक एल्टीट्यूड जा रहा है, कहां पर जा रहा है, बी सी में, ए बी में। तो ए बी को ये एल्टीट्यूड क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये हो रहा है कि इक्वली पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये पार्ट होगा, ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एल्टीट्यूड है हमारा 90 डिग्री का, क्या है, 90 डिग्री का। तो थोड़ा ये फिगर आपको लग रहा होगा हल्का सा, तो ये थोड़ा तिरछा है ना, इस वजह से ये 90 नहीं दिख रहा, मगर ये हमारा है 90 डिग्री का, ठीक है, इतना ये समझ लेना। अब आगे बात क्या कह रहा है क्वेश्चन की, फाइंड करो, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। रोम्बस के हमें सारे एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये एंगल, और ये एंगल, ठीक है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली सिर्फ दो एंगल निकाल लेंगे और आपस में क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, अपोजिट इसके एंगल, ठीक है। जैसे ये निकाल लिया या फिर ये निकाल लिया, ये दोनों एंगल निकाले, तो इसके अपोजिट सी हो जाएगा, डी के अपोजिट बी हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई एफ नहीं लिखना, बस लिखना ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब जब ए बी सी डी हमारा रोम्बस है, ठीक है, और जो हमारे पास क्या है, डी ई है, तो यहां पे लिखा डी ई इस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड विच बाइसेक्ट, बाइसेक्ट किसे कर रहा है, ए बी। तो जो डी ई है हमारा एल्टीट्यूड है, वो बाइसेक्ट किसे कर रहा है, ए बी को कर रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ गए। जब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे ए ई इक्वल्स टू हो जाएगा ई बी, ठीक है, समझ गए। तो ए ई इक्वल्स टू ई बी हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, 90 का। अगर भाई साहब ये एंगल 90 है, ये वाला अगर 90 है, तो ये भी तो 90 होगा, मतलब इसके दोनों साइड हमारे क्या है, 90 के हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसको यहीं तरह रखते हैं, अभी आगे समझो। अब हमें तो इनके क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो एंगल हम लोग प्रूफ करेंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और ये वाला ट्रायंगल लेंगे। अब देखो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डी से लेकर बी तक एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी खुद से, अगर हमें ये एंगल फाइंड करने है। तो हमने डी से लेकर बी तक एक लाइन ज्वाइन कर दी, फिर हमने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को हम लोग अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने इन ट्रायंगल ए ई डी एंड जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ये है डी ई बी। ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ईजी होता है। देखो किसी भी तीन पॉइंट निकालो और इनको आपस में इक्वली प्रूफ कर दो। देखो कैसे, सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ई इक्वल्स टू ई बी, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, गिवन है, यहाँ पे लिख दिया, समझ गए इतना। अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। देखो अगर डी ई ए वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाला एंगल 90 है, और डी ई बी में देखेंगे तो ये वाला एंगल 90 है। तो ये दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, आपस में 90। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ई ए इक्वल्स टू एंगल डी ई बी इक्वल्स टू 90, ओके, और यहाँ पे लिख दो गिवन। अब देखो ये दोनों एंगल हमारे 90 के हो गए। अब देखो यहाँ पर जो डी ई है, ये वाली साइड, ये क्या है, कॉमन साइड है, क्योंकि ये साइड इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही है और इस वाले भी ट्रायंगल में आ रही है। तो हम लोग लिखेंगे डी ई इक्वल्स टू डी ई, तो यहाँ पर रीजन दे दो, यहाँ पर कॉमन, ठीक है, तो डी ई इक्वल्स टू डी हो जाएगा। अब क्या होता है कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हमने तीन पॉइंट ले लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास डी ई बी के, और यहाँ पर किस रूल से होगा, ये देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हो गया, ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके जो एंगल हैं दोनों के आपस में इक्वल है, और जो साइड है वो भी आपस में इक्वल है। तो हम लोग अभी सिर्फ बात करेंगे इसकी साइड की, तो साइड हम लेंगे ए डी, ए डी जो साइड है वो बराबर किससे हो जाएगी, बी डी के, किससे, बी डी के। अब देखो ये वाली साइड हमने कहा इस साइड के बराबर है, ठीक है, और यहाँ पर रीजन लिख देंगे बाई सी पी सी डी,
क्लियर है, समझ गया इतनी बात। अब देखो ये दोनों साइड जब आपस में इक्वल है ना, तो हमें क्या बताना है, ये वाली साइड भी इक्वल है, ये वाली साइड भी इक्वल है, और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल है। अब कहोगे ये साइड कैसे इक्वल है, तो देखो ये हमारा रोम्बस है, तो रोम्बस में ए बी जो साइड है वो बराबर है किससे, ये बराबर है ए डी के, ठीक है, यहाँ पर ए डी लिख दिया। अब ए डी जो साइड बराबर है किसके, डी सी के, डी सी लिख दिया, और डी सी साइड बराबर है बी सी के, तो बी सी कर दिया। तो यहाँ मतलब ये हो रहा है कि ये चारों साइड आपस में इक्वल है। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि जो अब यहाँ पर ए डी जो साइड है वो बराबर है बी डी के, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ, अब ये जो बी डी तुम्हें दिख रही है, बी डी यहाँ पर नहीं दिख रहा, यहाँ पर दिख रहा है ए डी, जो ये ए डी साइड दिख रहा है वो बराबर है किसके, ए बी के। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी, ओके, यहाँ पर लिख दिया हमने ए डी लिखा, इक्वल्स टू लिख दिया हमने डी बी लिखा, और यहाँ पर हमने कर दिया ए बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए डी ये साइड है, डी बी ये साइड है, और ए बी ये साइड है, ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई। अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर तीन साइड इक्वल होती है, ठीक है, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल का जो ट्रायंगल का जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री, मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों साइड आपस में इक्वल हो गई हैं, और इक्वल साइड तभी होती है जब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो ये पूरा ट्रायंगल हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके जो हमारे एंगल हो गए वो हो गए 60 60 डिग्री के। तो हम लोग लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके, ए बी डी जो ट्रायंगल है उसमें जो हमारे पास एंगल ए है वो हो गया 60 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब ये दोनों आपस, सॉरी, ये जो एंगल ए हमारा 60 है, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, सी है, तो एंगल सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए इक्वल्स टू होता है एंगल सी, ठीक है। और रीजन दे दो, अपोजिट अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे अपोजिट एंगल क्या है, इक्वल होते हैं रोम्बस में, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे पास एंगल ए और एंगल सी आ गया है, तो हम लोग अब निकालेंगे एंगल डी और एंगल बी, ठीक है। एंगल डी और एंगल बी को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, पता है, यहाँ पर कहेंगे जो ए बी है वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी पैरेलल हो गया डी सी के। अब यहाँ पर जो ए डी है, ए डी हमारा क्या हो जाएगा, ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ए डी हमारा क्या हो गया, ए डी हो गया हमारा ट्रांसवर्सल। अब जब ए डी हमारा ट्रांसवर्सल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस हम कहेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हो जाएंगे 180 डिग्री। देखो ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के। यहाँ लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, और ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया हमारा इंटीरियर एंगल, एंगल ए हमारे पास 60 है, प्लस कर दिया एंगल डी इक्वल्स टू 180। अब देखो 60 हमारा क्या है, प्लस का है, यहाँ चला जाएगा तो माइनस का, तो 180 माइनस हो गया 60, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 120 आ गया। तो एंगल जो डी है पूरा ये हमारा है ना, ये आ गया 120। अब एंगल डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी है, तो ये भी हमारा 120 हो जाएगा, क्योंकि हमारे रोम्बस में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 120, और ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 हो गया, क्योंकि ए बी और बी डी और जो भी एंगल थे हमारे ए बी सी डी, तो ये चारों एंगल हमने निकाल लिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन 15 कह रहा है कि इन द एडजॉइंट फिगर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, अ लाइन सेगमेंट सी एक्स कट ए बी एट एक्स एंड अ डायगनल बी एक्स एट ओ, सच दैट एंगल ओ बी डी इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल ओ एक्स ए इक्वल्स टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है, ये एक्स है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो, ये जो फिगर है ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर के जो सारे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, मतलब एंगल ए बी सी डी ये हमारे 90 डिग्री के होंगे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो सी है, यहाँ से एक लाइन जा रही है और कट कर रही है ए बी में एक पॉइंट में, जिस पॉइंट का नाम है एक्स, और ये जो हमारा डायगनल है ना, वो ये बाइसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट में, ये बाइसेक्ट हो रहा है ओ पॉइंट में, ठीक है, ये ओ पॉइंट का नाम है।
और यहाँ पर हमारे पास दो एंगल दिए हुए, एक ये वाला एंगल और एक ये एंगल, और जो ये एंगल एक्स है वही हमें यहाँ पर करना है फाइंड। ठीक है, तो बहुत इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो ये हमारा क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, और जो लाइन सेगमेंट होती है ना, जो लाइन होती है वो हमारी बनती है 180 डिग्री की। मान लो ये लाइन है और ये एक लाइन होती है, ये होती है हमारी 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास ए बी सी डी है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी हमारा स्क्वायर हो गया। जब ए बी सी डी हमारा स्क्वायर होगा तो एंगल ए हमारा हो जाएगा अपने आप 90 डिग्री, क्योंकि भाई साहब ए बी सी डी हमारा स्क्वायर है इस वजह से। अब बात करेंगे हम लोग सी एक्स, सी एक्स हमारा क्या है, सी एक्स एक हमारी लाइन है, तो सी एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने सी एक्स हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब जब सी एक्स हमारी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है, देखो एक एंगल है हमारा ये वाला है और ये वाला एंगल है। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सी ओ डी और इसको बोलेंगे डी ओ एक्स, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अगर हम लोग बात करें इस पूरे एंगल की, तो हम लोग लिखेंगे एंगल हमारे पास जो सी ओ एक्स है। ओके, देखो सी ओ एक्स हमारा ये पूरा एंगल है। ठीक है, ये सी ओ एक्स ये पूरा एंगल है। अब ये एंगल बन किससे रहा है, इन दो एंगल से, एक से वाले एंगल से उस वाले से। तो हम लिखेंगे एंगल सी ओ डी प्लस लिखेंगे एंगल हमारे पास डी ओ एक्स, इन दोनों एंगल से मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर जो सी ओ एक्स है, सी ओ एक्स मतलब क्या, ये पूरा एंगल। तो ये पूरा क्या है, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री के बराबर होती है। अब देखो यहाँ पर जो सी ओ डी है, सी ओ डी हमारा क्या है, सी ओ डी ये हमारा 80 डिग्री, तो यहाँ पर 80 लिख दिया। प्लस ये हो जाएगा एंगल हमारे पर डी ओ एक्स। अब 80 हमारा माइनस प्लस का यहाँ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 80 इक्वल्स टू एंगल डी ओ एक्स। अब इन दोनों को माइनस करो तो ये हो जाएगा 100 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल डी ओ एक्स। तो ये आ गया 100 हमारा डी ओ एक्स। ठीक है, अब देखो ये डी है, ये ओ है, ये एक्स है, ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री। क्लियर है, अब हमें क्या करना है, ये एक्स निकालना है। मगर कैसे निकालेंगे ये समझो, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी। ये देखो 100 आ गया ये वाली साइड, ये वाला एंगल, और ये हमने अभी बताया ये क्या है, 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल हमारा क्या था, ये एंगल पूरा हमारा था 90 डिग्री, हमें चाहिए सिर्फ ये आधा। देखो ये जो लाइन है ये बाइसेक्ट करे इस एंगल को, तो बाइसेक्ट जब करती है तो क्या होता है, इक्वली डिवाइड कर देती है। अगर ये 90 है पूरा तो ये आधा हो जाएगा हमारा 45 और ये आधा हो जाएगा हमारा 45। अब ये 45 कैसे होगा ये समझ लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास बी डी है, ठीक है, बी डी जो लाइन है वो क्या है, इज अ डायगनल है, वो एक डायगनल है। तो बी डी इज अ डायगनल एंड बाइसेक्ट, किसे कर रही है, दो एंगल को कर रही है। ठीक है, एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। अब देखो जो बी डी है हमारी डायगनल है, वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को, यहाँ पर एंगल बी को और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है। अब जब इसे इक्वली बाइसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर जो एंगल डी था हमारा वो था 90 डिग्री। क्लियर है, अब 90 डिग्री था, तो हमें क्या करना था, हमें तो चाहिए ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा ए डी ओ है, तो यहाँ पर लिखा हमने एंगल ए डी ओ इक्वल्स टू एंगल डी बाई टू, हाफ है ना एंगल डी का, तो यहाँ पे लिखा डी हमारा 90 है, 90 बाई 2 हो जाएगा हमारे पास 45। तो एंगल हमारा ए डी ओ हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल भी आ गया 45, हमें ये भी पता है, ये भी पता है। अगर अब इस फिगर को ध्यान से देखो जिसमें हमने पेन चलाया हुआ है, ये तो ये क्या दिखेगा, एक ये दिखेगा एक क्वाड्रिलेटरल, क्या दिख रहा है, एक ये दिख रहा है एक क्वाड्रिलेटरल, दिखा ये क्वाड्रिलेटरल। तो अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास तीन साइड हमें गिवन है, तीन एंगल गिवन है, एक ये वाला एंगल हमने जो फाइंड किया है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, हमें चौथा एंगल चाहिए। तो बहुत सिंपल है, क्वाड्रिलेटरल का यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जो हमारा कौन सा है, ट्रायंगल नहीं है, इन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ए डी ओ एक्स, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास चार एंगल है, तो चार एंगल लिख दो, एंगल एक हो गया ए, ठीक है, और एक एंगल हो गया हमारे पास एक्स, और जो हमारे पास एक और एंगल है वो हो जाएगा हमारे पास डी ओ एक्स, और जो एक और एंगल है वो हमारे पास ए डी ओ है। ठीक है, इक्वल्स टू 360। अब ये जो चारों एंगल का जो सम होगा 360 के बराबर होगा। अब एंगल जो ए है वो कितना है हमारे पास, 90, और एंगल जो एक्स है वो एक्स ही है। ठीक है, ये देखो
ये हमारा क्या है, एंगल एक्स है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास डी ओ एक्स 100 है, और प्लस ए डी ओ हमारे पास कितना है, ए डी ओ है हमारे पास 45 इक्वल्स टू 360। अब इसको ऐड करो तो ये होगा 9 190 और 200 235। 235 प्लस का यहाँ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये होगा 30, ये 5 हो जाएगा, एक ये होगा 360, ओके, माइनस होगा 235, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ x। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, माइनस करने में आएगा 125, तो x की वैल्यू आ गई 125, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। ठीक है, तो समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, तो क्वेश्चन 16 कह रहा है इन अ रोम्बस ए बी सी डी सो डेट डायगनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। देखो यहाँ पर हमारे पास जो एक फिगर है ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, और इसके बीच से क्या जा रहा है, ये एक डायगनल जा रही है, ठीक है, जो बाइसेक्ट कर रही है ये वाली डायगनल एंगल सी को और एंगल ए को। देखो बाइसेक्ट का मतलब ये हो रहा है कि ये पूरा एंगल है, जब ये लाइन बीच से गई तो इसने इक्वली आधे आधे पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसे भी प्रूफ करना है और हमें इसे भी प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर ध्यान से देखो इतना पार्ट को, तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है ए बी सी दिख रहा है। अगर हम इसे छुपा लेते हैं और इसे देखें तो हमें यहाँ पर एक और ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल है हमारा ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ये देखो ये ट्रायंगल हो गया हमारा, ओके, ये देखो ट्रायंगल दिख रहा है और ये ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ये पता चल जाता है इसके एंगल आपस में इक्वल होते हैं और इसके साइड इक्वल हो जाते हैं। जब एंगल और साइड हम इक्वल कर लेंगे तो हम लोग ये भी फाइंड कर देंगे कि ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल सी या डी या बी या ए ऐसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेंगे पहले पास ट्रायंगल, सबसे पहले लेंगे ट्रायंगल कौन सा, यहाँ पे ले लिया ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा हमने ट्रायंगल ले लिया, उस ट्रायंगल का नाम है ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ कॉमन है वो समझो। देखो यहाँ पर जो ए बी साइड है, ये साइड किसके इक्वल है, ये साइड इक्वल है ए डी के। अब ए डी कहाँ है, ये है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिख दिया ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए डी, क्योंकि भैया ये है रोम्बस, रोम्बस की सारी साइडें आपस में इक्वल होती है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने गिवन, ठीक है। अब कहोगे गिवन कैसे, देखो यहाँ पर बताया कि इन द रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है, इसलिए ये गिवन है। अब देखो यहाँ पर जो बी सी दिख रहा है, अब बी सी कहाँ दिख रहा है, ये देखो ये वाली साइड है, ये वाली साइड, और जो तुम्हें दिख रही है सी डी, ये वाली साइड, ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि रोम्बस है ये भी, तो यहाँ पे लिख दिया बी सी इक्वल्स टू हो गया सी डी। अब यहाँ पर भी लिख दो गिवन है, ठीक है, तो ये दोनों गिवन हो गए। अब तीसरी चीज़ ये देखो कि यहाँ पर जो ए सी साइड है ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, अगर हम लोग बात करें ए बी सी की उसमें भी आ रही है, अगर हम लोग बात करें ए डी सी की तो उसमें भी आ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू ए सी, तो ये दोनों साइड हमारे क्या है, ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, मतलब कॉमन है, तो यहाँ पे लिख दिया सी ओ डबल एम ओ एन कॉमन हो गए। देखो कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ करने के लिए हमें तीन पॉइंट चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए, तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल जो हमारे पास ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल से, वो है ए डी सी से। किस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ये हो रहा है साइड 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 से, तो यहाँ पर साइड 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 कर दिया। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसके एंगल और साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, एंगल और साइड भी इक्वल हो गए, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाला एंगल है बी ए सी, ये वाला एंगल बराबर है इस एंगल के, बोल सकते हैं, तो यहाँ पर है क्या डी ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास एंगल डी ए सी, और यहाँ पर लिखेंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो भैया ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं एंगल बी सी ए और डी सी ए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल बी सी ए, बी सी ए इक्वल्स टू लिख दिया हमने डी सी ए, और ये दोनों भी हमारे क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंट में सारे एंगल और सारे ट्रायंगल, सॉरी सारे एंगल और सारी साइड आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल, सॉरी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं,
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस लाइन ने इस एंगल को इक्वली बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेंस एंगल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया फर्स्ट वाले से। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ओके, ये वाला, एक मिनट, ये ट्रायंगल लेंगे अब हम लोग, और हम लोग लेंगे अब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या प्रूफ करेंगे, इनको प्रूफ करेंगे अब कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे प्रूफ होगा ये देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, बिल्कुल सेम इसी तरह करेंगे। तो यहां लिखा हमने इन ट्रायंगल ए डी सी एंड जो यहां पर दूसरा ट्रायंगल है वो बी डी सॉरी ए डी ए डी बी होगा यहां पर ए डी बी और यहां पर होगा बी डी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहां पर जो हमारे पास जो साइड है कौन सी, ए बी और बी सी, ए बी ये वाली साइड, ठीक है, और यहां पर जो दिख रही है बी सी, बी सी हमारे पास ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहां पर लिखा ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा बी सी और यहां पर लिख देंगे हम लोग गिवन। अब इसकी जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, ए डी, और वो इक्वल है डी सी के, तो ये भी लिख देंगे हम लोग गिवन। अब इसमें जो यहां पर डायगोनल जा रहा है डी ई है ना, ये क्या है, कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है, डी बी, डी बी वाला जो साइड है ये कॉमन है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे डी बी इक्वल्स टू डी बी, ये हो जाएगा यहां पर कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों हो गए कॉमन। अब हमने यहां पर तीन पॉइंट प्रूफ कर दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा यहां पर बी डी सी और यहां पर लिखेंगे बाय साइड साइड साइड, तो यहां पर हो गया साइड साइड साइड। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इन दोनों के एंगल और साइड भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे जो हमारे पास एंगल है ए बी डी, ए बी और यहां पर हो जाएगा ए बी डी इक्वल टू जो दूसरा एंगल है हमारे पास कौन सा, सी बी डी, ये दोनों एंगल आपस में क्या इक्वल है और यहां पर हो जाएगा बाई सी पी सी डी, ठीक है। और यहां पर जो एक और एंगल है वो हमारे पास क्या, एंगल ए डी ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू एंगल हमारा हो जाएगा यहां पर बी डी सी, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं सॉरी जो एंगल हैं ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। जब ये दोनों हमारे देखो ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये लाइन जा रही है ये बाइसेक्ट कर रही है इस पूरे एंगल को। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस जो हमारे पास है क्या, कौन सी, डी बी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा हमें, एक बार ये वाला एंगल लिया, ये वाला लिया ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल लेने के बाद ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, फिर इन सभी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो हमारा इसका आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन 17, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी पॉइंट एम एंड एन हैव बीन टेकन ऑन अपोजिट साइड ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए एम इक्वल्स टू सी एन सो दैट ए सी एंड एम एन बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास ए बी जो साइड है, ठीक है, उसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है एम और जो हमारे पास डी सी साइड है उसके बीच में एक पॉइंट आ रहा है जिसका नाम है एन, ठीक है, ये एन एम हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो एन एम ए है वो बराबर है सी एन के, देखो एम ए ये वाली साइड बराबर है सी एन के, तो इस साइड के ये दोनों बराबर है। अब क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि ए सी एंड एम एन, मतलब देखो ये ए सी है और ये एम एन है बाइसेक्ट ईच अदर, आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, मतलब अगर ये दोनों आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं तो जितना पार्ट ये है उतना पार्ट ये है, जितना पार्ट ये है उतना ही पार्ट ये है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यही हमको प्रूफ करके दिखाना है। ओके क्वेश्चन समझ के, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि हमारे पास ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है
और ये वाली साइड है ये इसके बराबर है। अगर हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो AC है और जो MN है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, ठीक है, क्लियर है। तो इसे करें कैसे वो समझ लो। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो ABCD है, ABCD हमारे क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ लिख दिया पैरेललोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें बता रहा है कि जो AM है वो बराबर है CN के, तो यहाँ पे लिखा AM इक्वल्स टू CN, ठीक है, AM इक्वल्स टू CN के बराबर है। अब हमें इसमें प्रूफ क्या करना, हमें प्रूफ करना है, तो ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ हमको करना है कि जो AC साइड है और जो हमारे पास क्या है और MN, देखो ये AC हो गई और ये MN हो गया, तो ये MN हो गया, MN ये क्या हो रहा, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट अदर, ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में। अब यही हमें प्रूफ करना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये साइड आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल हो जाएगा AOM, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे ये वाला, ओके, ये चीज लेते हैं। तो यहाँ लिखा है इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOM, एंड जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है वो है हमारे पास CON, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो AM साइड है वो बराबर है NC के, तो हमने यहाँ लिख दिया AM इक्वल्स टू CN या फिर NC, और यहाँ पे लिख दिया हमने गिवन, क्लियर है। अब आगे देखो जो हमारे पास एंगल है, एंगल कौन सा एंगल है, हमारे पास एंगल है OAM, देखो OAM ये वाला एंगल, और हमारे पास क्या है OCN ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल है। ये अब इक्वल कैसे हो गया ये समझो, देखो ये लाइन और ये वाली साइड, सॉरी ये दोनों जो साइड हैं ये आपस में क्या है पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है, मतलब छूती है, अगर यहाँ पर भी छू रही यहाँ पर भी छू रही, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ट्रांसवर्सल लाइन के जो ये हमारे एंगल बन रहा है, कैसे एंगल बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। जब ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल हमारे पास जो है ओ AM, ठीक है, इक्वल हो जाएगा एंगल हमारे किसके, ये हो जाएगा OCN के। यहाँ पर हमें रीजन देना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल, क्लियर हो गया, इतनी बात समझ गए। अब ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास AOM है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, ये दोनों एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास कौन सा एंगल बन रहा है, AOM इक्वल्स टू एंगल है CON, ये दोनों एंगल हमारे क्या हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन पॉइंट्स चाहिए होते हैं, हमने ये तीन पॉइंट यहाँ पे निकाले। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो ट्रायंगल है हमारे पास AOM, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ पर CON, ठीक है। अब ये किस रूल से हो रहा है, देखो यहाँ पर एंगल एंगल साइड, तो हम लोग लिख देंगे एंगल एंगल साइड, तो यहाँ लिख दिया एंगल एंगल साइड कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गए। अब जब ये दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब ये हो रहा है इसके सारे एंगल और सारे साइड आपस में इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास AO साइड है वो बराबर है OC के बाई CPCT, बाई CPCT। अब यहाँ पर जो हमारे पास OM साइड है वो बराबर है ON के, यहाँ पर लिखेंगे बाई CPCT ये भी, ओके। तो जब ये दोनों हमारे आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारा AC है और जो हमारे पास MN है, MN है, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर, क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन, ठीक है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 18 कह रहा है इन द एडजॉइंट फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम इफ P एंड Q आर पॉइंट ऑन AD एंड BC रिस्पेक्टिवली सच दैट AP इक्वल्स टू 1/3 AD एंड CQ इक्वल्स टू 1/3 BC प्रूफ दैट AQCP इज अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हमारे पास ये पैरेललोग्राम ABCD, अब यहाँ पर जो हमारे पास AP है,
ये 1/3 है AD का, और जो यहाँ पर CQ है ये 1/3 है पूरा BC का, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है कि हमारे पास जो ये वाला है ना, मतलब AQCP, ये जो है ना ये हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे ये समझो। देखो पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल हो, जैसे कि ये हमारा पूरा पैरेललोग्राम है तो इसका ये और ये साइड आपस में इक्वल है, और ये पूरी साइड और ये पूरी साइड आपस में इक्वल है, वैसे ही हमको प्रूफ करना ए क्यू सी पी, ये भी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। इसका मतलब ये हो रहा है अगर इन दोनों साइड को और इन दोनों साइड को आपस में हमने इक्वल कर दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये भी हमारा पैरेललोग्राम है। अब ये इक्वल कैसे होगा और हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये ए क्यू सी पी हमारा पैरेललोग्राम है, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं गिवन, यहाँ पर गिवन है हमारे पास ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है हमारे पास जो ए पी है वो 1/3 है किससे, ए डी से, और जो हमारे पास सी डी है, सॉरी सी क्यू है, वो है 1/3 किससे, बी सी से, ओके। अब ध्यान देना यहाँ पर जो 3 है ये हमारा डिवाइड में यहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 ए पी हो गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास ए डी, क्लियर है। अब ये 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 सी क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास बी सी, इतना समझ गए। अब ये तो हमारे पास इतना सिर्फ गिवन था, अब आगे बात करते हैं। तो आगे हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिख देते हैं, टू प्रूफ हमें करना है कि हमारे पास ए क्यू सी पी है इज अ पैरेललोग्राम, ये दोनों हमारे पैरेललोग्राम है, ठीक है, सॉरी ये ए क्यू सी पी हमारा पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो चलो इसे प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पर होगा प्रूफ। अब यहाँ पर जो ए डी साइड है वो बराबर है हमारे किससे, बी सी से, बी सी, देखो ये हमारा क्या है, पूरा पैरेललोग्राम, तो इसके अपोजिट साइड आपस में इक्वल है, तो हम बात करें ए डी जो साइड है वो बराबर है बी सी साइड से, ठीक है, हमने लिख दिया। अब देखो ए डी हमने यहाँ पर निकाला कितना है, 3 AP, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 AP इक्वल्स टू जो बी सी है वो कितना हमारे पास, वो है 3 CQ, यहाँ पर लिख दिया 3 CQ। अब 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, ये दोनों हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने बता दिया कि हमारे पास जो ए पी साइड है ये और जो हमारे पास सी क्यू साइड है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, कर दिया। बस हमें अब क्या इक्वल दिखाना है, ये दोनों साइड इक्वल करके दिखानी, बस अगर हमने ये दोनों साइड इक्वल दिखा दी तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी क्यू, एंड जो हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है वो हो जाएगा हमारे पास सी और है सी डी पी, सी डी पी। अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो ए बी हमारी साइड है, ए बी वो बराबर है किससे, डी सी से, ये हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने गिवन। अब हमारे पास जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड हमारे पास क्या है, दूसरी साइड को छोड़ो पहले यहाँ पर आते हैं हम लोग एंगल में। एंगल देखो हमारे पास बी और डी ये दोनों एंगल आपस में क्या, इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। अब यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी साइड है उसको थोड़ा रफ में समझ लेते हैं, यहाँ पर जो ए डी है, ठीक है, ए डी बराबर है हमारे किससे, बी सी से, ए डी जो साइड है वो बराबर है बी सी से, ठीक है। हम लोग इस पूरे साइड को आपस में इक्वल नहीं दिखा सकते क्योंकि हम लोग सिर्फ बात करें इतने ट्रायंगल की, ओके, और इतने ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए इस पूरे को हम लोग इक्वल नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। देखो जो ए डी है वो बन रहा है किससे, ए पी प्लस पी डी, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी प्लस हो जाएगा यहाँ पर पी डी, ठीक है, इक्वल टू जो बी सी है, बी सी हमारा बन रहा है बी क्यू और यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू सी से। अब यहाँ पर जो हमारे पास है क्या, ए पी, ए पी किसके इक्वल है, सी क्यू के, तो ए पी की जगह पे हमने सी क्यू लिख दिया, प्लस ये हो गया पी डी इक्वल्स टू हो जाएगा बी क्यू और यहाँ पर हो जाएगा प्लस क्यू सी। अब देखो सी क्यू और क्यू सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसे चाहे सी क्यू पढ़ो चाहे क्यू सी बोलो एक ही बात है, क्लियर है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचे क्या, पी डी इक्वल्स टू बी क्यू, तो ये पी डी इक्वल्स टू बी क्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर पी डी इक्वल्स टू हो गया बी क्यू,
और ये हमने क्या किया है, प्रूफ किया, तो यहाँ पे लिखा प्रूफ, क्लियर है। अब हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें तीन पॉइंट चाहिए होते हैं, तो हमने वो तीनों पॉइंट यहाँ पर निकाल लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है किससे, सी डी पी से, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, किस रूल से हो गए, ये हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे साइड एंगल साइड्स, ठीक है। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी जो साइड है और जो एंगल है आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हमें सारी साइड और सारे एंगल से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब क्या है, सिर्फ ये और ये, इस साइड से हमें मतलब है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो हमारे पास ए क्यू साइड है वो बराबर है पी सी साइड से, तो यहाँ पर लिख दिया हमने ए क्यू, ठीक है। ए क्यू इक्वल्स टू किसके बराबर है, ये बराबर है ए क्यू है पी सी साइड, पी सी साइड के, और यहाँ पर लिखेंगे बाई, ये हो जाएगा सी पी सी टी, क्लियर है, इतनी बात समझ गए। अब देखो हमने क्या किया कि इसकी जो साइड है हमने आपस में इक्वल बता दी, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर बताया कि जो ए क्यू है वो बराबर है पी सी के, ठीक है, ये फर्स्ट है। अब देखो हमने ऊपर क्या बताया था, जो ए पी है, ए पी वो बराबर है सी क्यू से, ये सेकेंड है, ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया ऊपर नीचे। तो देखो ए पी हमारे पास क्या है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल, और हमने ए क्यू और पी सी ये दोनों साइड आपस में इक्वल, मतलब ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, तो ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूफ ए क्या था, ए क्यू सी पी, ए क्यू सी पी इज अ पैरेललोग्राम। ओहो ठीक है, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का सलूशन। अब इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट करो, नहीं अच्छी लग रही तो डिसलाइक और कमेंट ज़रूर करो, ताकि हमें पता चले आपको क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।